हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप अपना पहचान पत्र में मोबाइल नंबर जुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहचान पत्र बनने का तो बन गया है लेकिन किसी कारण से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अब आप अपने पहचान पत्र में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लीजिए ताकि आप नए वाले फॉर्मेट में पहचान पत्र जो है एज ए आधार कार्ड जैसा आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत आसानी से आपका पहचान पत्र में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। और रजिस्टर्ड होने के बाद आप अपना जो पहचान पत्र है वो अपने वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के द्वारा आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किसी भी काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत आसान है। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ एक लाइव डेमो के साथ कि आपके पहचान पत्र में मोबाइल नंबर कैसे जोड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा नया चैनल क्रिप्टो न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, जा करके आप चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप nvsp.in के वेबसाइट पर आ जाइएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डोंट हैव अकाउंट पर क्लिक करके आप अकाउंट बना लीजिए। मेरे केस में यहाँ पे अकाउंट है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद सबसे पहले आपको जो भी मोबाइल नंबर ऐड करना है वो रख लीजिए। इसके बाद एक फोटो जो भी होगा आपका लेटेस्ट फोटो वो आप अपना पहले से स्कैन करके रख लीजिएगा। मेरे केस में मैंने फोटो रख लिया है। फोटो आप लेटेस्ट वाला स्कैन करके जरूर रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ फॉर्म्स पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही फॉर्म्स पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारा फॉर्म्स जो है वो आ जाएगा। इस काम को आप वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म 8 पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। फॉर्म 8 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद दो ऑप्शन पूछेगा, सेल्फ या फैमिली। अगर आप खुद अपना एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करेंगे और फैमिली तो यहाँ फैमिली पे क्लिक करेंगे। तो मेरे को अभी फिलहाल सेल्फ पे क्लिक करना है क्योंकि मैं खुद का मोबाइल नंबर चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे जिला जो भी मेरा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो भी मेरा कंस्टिट्यूएंसी है वो सेलेक्ट कर लिया। या तो यहाँ पे ले जा करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे टैब, तो यहाँ पे देखिए यह हिंदी हो गया। तो हिंदी यहाँ पे आएगा तभी आगे बढ़ेगा, वरना ये फेल्ड बता देगा। तो यहाँ अपना नाम का हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एज इट इज जो भी है सारा चीज़ छोड़ दीजिए। यहाँ पे मेरा फोटो पे यहाँ पे टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे इधर आ जाइए आप नीचे, यहाँ देखिए फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो जो भी आपका फोटो है वो यहाँ पे आप अपलोड फोटो पे क्लिक करके यहाँ आप ब्राउज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे फोटो देखिए ले लिया हूँ और यहाँ पे गेट प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं। जो भी स्थान है आप अपना जो भी जिला है डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल लीजिए और इसके बाद यहाँ पे नीचे में सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। बस यही तो काम करना है दोस्तों। देखे ना कितना आसान है आपका वोटर आईडी में मोबाइल नंबर चेंज करना। ये मोबाइल नंबर आपका कुछ ही दिनों में, 1 सप्ताह 10 दिन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है कि कहाँ से डाउनलोड करते हैं। अगर नहीं पता है तो वीडियो में आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। आपको देखिए SMS भी आ गया है मेरे पास कि मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दिया गया है मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। तो दोस्तों समझ रहे हैं ना, फोटो के बहाने मोबाइल नंबर चेंज हो गया यहाँ पे। अब इसको आप ट्रैक करते रहिए, 10 दिन 1 सप्ताह में आपका ट्रैक हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिक्स लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो आपको मेला नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।